हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, इससे प्रीवियस वीडियो हमने देखा कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कब कब डिफाइन होता है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन है उसकी क्या क्या कंडीशंस होती है। तो बेसिकली यहाँ पे मैं एक बार बता देता हूँ, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिफाइन के लिए जो जरूरी टर्म है वो है हमारे पास, अगर एक सेकेंड, कोई मैट्रिक्स है ए और बी मैट्रिक्स है, ए जो है वो एम क्रॉस एन का है एंड बी जो है वो सपोज कि पी क्रॉस क्यू का है। तो मैट्रिक्स के अगर ए क्रॉस बी के लिए डिफाइन होने के लिए, दोनों मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन डिफाइन होने के लिए एन को इक्वल होना चाहिए पी को, पी के एन इक्वल टू पी होना चाहिए। और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा, रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो आएगा वो आएगा हमारे पास एम क्रॉस क्यू का, एम क्रॉस क्यू का जो है वो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा। अब बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे कि मैट्रिक्स कौन कौन सी प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो होगी वो होगी हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर हमारे पास तीन मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं हम, जिसमें ए बी और सी मैट्रिक्स है, तो हम पहले ए और बी का कर रहे हैं और फिर सी का कर रहे हैं। इक्वल जो होगा वो होगा हमारे पास, पहले हम ए को छोड़ रहे हैं और बी सी, मतलब बी सी का पहले करके फिर ए का कर रहे हैं। ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स, मैट्रिक्स का ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए, बस सिर्फ क्रम चेंज हो सकता है कि पहले किसका कर रहे हैं। ये नहीं है कि पहले हम ए, इसका मतलब ये नहीं कि बी और सी का करके इधर कर दें, तो उस कंडीशन में तो कम्यूटेटिव में पहुंच जाएगा। ये ए का मल्टीप्लीकेशन जो होगा वो लेफ्ट हैंड साइड से ही हुआ, तो ये हमारे पास एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, वो है हमारे पास ये प्रॉपर्टी ए जो है बी प्लस सी, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है हमारे पास, कि अगर ए जो है मैट्रिक्स है बी प्लस सी से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, यानी ए का मल्टीप्लीकेशन जो होगा बी से और ए का मल्टीप्लीकेशन हम सी से कर सकते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी जो है वो बी प्लस सी, अगर इसी तरह से लेफ्ट में से कर रहे थे राइट में से भी करें तो बी का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा ए पे, बट होगा किस साइड से, लेफ्ट से ही। सी का डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा सी पे, पर होगा लेफ्ट इस साइड से ही, यानी राइट साइड से, जब राइट साइड से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो राइट साइड से। अगर एल्फा ए बी है तो एल्फा ए बी को हम एल्फा ए लिख सकते हैं पहले फिर बी लिख सकते हैं, या ए को छोड़ के पहले हम बी से एल्फा का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आई एन बराबर ए बराबर ए, जहाँ पे आई एन बेसिकली मैट्रिक्स क्या होता है, आई एन मैट्रिक्स होता है हमारे पास ये मैट्रिक्स वन स्केलर मैट्रिक्स जो होता है, 0 1 0 0 जीरो जीरो वन जीरो, अगर 4x4 का है तो ये, तो अगर हम ए डॉट और कुछ आई एन, यानी अगर ये एन क्रॉस एन का है तो हमें इस तरह से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो ए ही मैट्रिक्स आएगा। ये इसी कुछ इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसके बाद ये प्रॉपर्टी, इफ ए बिलोंग्स टू आर एन क्रॉस एम इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर जो है ये जो है एक एन क्रॉस एन का स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसको हम केथ पावर के टाइम, जो ए की पावर के बेसिकली क्या होती है, ए डॉट ए यानी ए का के टाइम मल्टीप्लाई जो होती है ए की पावर के टाइम पर डिफाइन किया जाता है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले रहे हैं जहाँ पे हम मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन करके भी दिखाएंगे। सपोज हमारे पास ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स क्या है वो है ये मैट्रिक्स है -2 3 1 0, ये हमारे पास मैट्रिक्स है। तो ए स्क्वायर, ए स्क्वायर कैसे होगा, बेसिकली -2 3 का मल्टीप्लाई जो होगा वो इससे होगा पहले, तो ये हो जाएगा -2 का -2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 4, और 1 3 का मल्टीप्लाई जो होगा वो 1 से होगा तो 4+3, तो ये हो गया 7, जो कि एंट्री यहाँ पे है। अब 1 एंड 0 का मल्टीप्लाई जो होगा वो इससे होगा, यानी ये कौन सा है ये हमें याद रखना है। ये अगर बात करें तो ये सेकंड रो है, तो सेकंड रो और इसका कॉलम फर्स्ट, तो एंट्री जो आएगी वो कहाँ आएगी, 2 1 पे, यानी 2 1 यानी कि यहाँ पे एंट्री आएगी। तो ये हो गया हमारे पास, तो 1 का मल्टीप्लाई जब -2 से करेंगे तो -2, एंड जब 0 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 0, तो +0, ये आ गया -2। इस तरह से अब जब इसका मल्टीप्लाई हम इससे कर रहे हैं इस कॉलम से, तो अब रो कौन सी है, रो है फर्स्ट, कॉलम कौन सा, सेकंड, तो जो किस जगह पे आएगा इसका मल्टीप्लाई, यहाँ पे मतलब 1 2 पे। तो ये हमारे पास जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो -2, ये हो गया -2
इंटू थ्री, तो ये हो गया -6, 3 इंटू 0 तो +0, तो ये हो गया -6 ही हो गया। इस तरह से 1 इंटू 0 का किया तो ये आ जाएगा, जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 1 से तो 3, और 0 से होगा 0, तो ये ऐड करने पे 3, तो ये आ गया ए स्क्वायर। इसी तरह से ए क्यू करेंगे तो ए क्यू बेसिकली, ए क्यू क्या है, ए ए स्क्वायर डॉट ए, तो ये हो गया हमारे पास। तो यहाँ से हमारे पास जब ये ए क्यू की बात कर रहे हैं तो ये आ जाएगा 7 का मल्टीप्लाई जब करेंगे हम -2 से, तो ये आ जाएगा -14, और अब -6 का मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो ये हो जाएगा -6, तो ये हो गया -14 -6 तो -20, इसी तरह से ये हो गया। तो यहाँ से हमारे पास आ गया ये ए स्क्वायर। अब साथ में चूंकि ये हम ए की बात कर रहे हैं तो ए डॉट ए तो किसी फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, यानी कि अगर ए स्क्वायर की बात करें, ए ए क्यूब की बात करें, ए क्यू, तो ए क्यू क्या था हमारे पास, ए क्यू था ए डॉट ए, यानी कि हम पहले इसका मल्टीप्लाई करें, तो ये क्योंकि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यही कहती है कि पहले इसका मल्टीप्लाई करें फिर इसका, ये भी कर सकते हैं ए डॉट ए, सॉरी ये तो मैं सेम लिख दिया, ए डॉट ए भी कर सकते हैं। तो अगर ऐसा भी करके चेक करें हम, तो ए डॉट ए करेंगे तो बेसिकली ये तो हमने चेक किया ही था, अब ये चेक कर रहे हैं हम ए डॉट ए स्क्वायर। तो ए डॉट ए स्क्वायर यानी पहले ए डॉट ए का मल्टीप्लाई जो कि ये आया, तो हमने अब ए का मल्टीप्लाई इससे किया तो ये आ गया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे पास ये हो गया, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पास मैट्रिक्स जो है एसोसिएटिव होते हैं, सॉरी कम्यूटेटिव होते हैं, मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कम्यूटेटिव नहीं होता है, ये सिर्फ जब एन क्रॉस एन का मैट्रिक्स हो, सेम ही मैट्रिक्स के पावर कर रहे हो तभी हमारे पास ये कम्यूटेटिव होते हैं, अगर मैट्रिक्स चेंज तो कम्यूटेटिविटी नहीं रहेगी।